अब क्या आया है, बस पूरा दिन कभी चौमीन, कभी पिज्जा, कभी मोमोज, यही सब चलता रहता है। घर में चाहे हम जितना छप्पन भोग बना के धर दे, मजाल है जो हाथ लगा लो, लेकिन बाहर का देखो कैसे चाव से खाओगे। पैसा ही आने लगा है भाई, जो भी करने लगे हो, आ रहा है पैसा, उड़ रहा है पैसा। जीभ ना तुम लोगों की बेटा दैत्य जैसी हो गई है कि जब तक उसमें बाहर का तला भुना इसे टपक ना जाए, तब तक कुल बुलाती रहेगी सरर सरर फरर फरर सरर सरर फरर फरर। और जहाँ दो बूंद, बस दो बूंद अचार का तेल भी टपक जाए तो ऐसा लगेगा तुम लोगों की आत्मा को शांति मिल गई है, तृप्ति मिल गई है तुम लोगों को। एक एक बार में 500 का मोमोज आ रहा है, 600 की चौमीन आ रही है। बारी औलादो, ऐसी तो औलाद ही नहीं देखी है मैंने कहीं। घर में हम लौकी तरोई बना दे तो देखो कैसे मुंह नाक सिकोड़ लेंगे सुअर के जैसे। और बाहर वाले चाहे पिज्जा में टिंडे डाल के दे दे, करेले डाल के दे दे, सब खा लेंगे बड़े मजे से। इतना बाहर का हबड़िया के खाते हो ना तभी बाथरूम में जोर लगाना पड़ता है, इसे काम में भी इन लोगों को एक एक घंटा लगता है। यही अभी लौकी तरोई खाए होते ना, 5 मिनट का खेल था खाली, बैठे नहीं कि सर से बाहर। लेकिन कौन समझाए तुम लोगों को, समझाएंगे तो हम ही को पागल घोषित कर दोगे। कर दो पागल घोषित, हमारा नहीं कुछ बिगाड़ोगे बेटा, अपना ही बिगाड़ोगे जो बिगाड़ोगे। मम्मी खा के देखो बहुत टेस्टी है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वाइपर उठा के मारेंगे, मुंह टूट के रह जाएगा कुत्ता। नहीं तो तुम ही लोग खाओ ये कूड़ा करकट, मम्मी को जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे गंदे संदे हाथों से बनाते हैं, उसी हाथ से कहो नाक खोदते हो उसी हाथ से आटा सान देंगे। मम्मी को दूर रखो इन सबसे, तुम लोगों का तो कोई दीन ईमान है नहीं, तुम लोगों को सफाई हो ये सबसे कोई मतलब नहीं है। बस बाहर का होना चाहिए, कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, इस सबसे तुमको कोई मतलब है नहीं। देख रही है अपने पोते पोती को, कुछ बोल देते हैं तो आपको भी बहुत बुरा लग जाता है कि सारा दिन पीछे पड़ी रहती है। और कोई बच्चा होता तो अब तक शर्म से सरा बोर हो जाता, लेकिन इन लोगों के माथे में एक सिकन तक नहीं है। वो बच्चे और होते हैं जो माँ बाप की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं, माँ अगर बोल दे कि यहीं बैठना है तो बच्चे वहीं बैठेंगे, मजाल है जो टस से मस कर जाएं। लेकिन ये लोग एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, जानते हैं कि पागल है खुद ही बड़बड़ा के शांत हो जाएगी। लोगों की एक औलाद अगर नालायक निकल जाती है तो दूसरे से उम्मीद होती है कि कम से कम दूसरा तो ढंग का निकलेगा, उसको तो देख देख के जी लेंगे हम। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों जस के तस है, पूरा का पूरा कुनबा खंजर निकल गया है मेरा, ठीठ हो गए एकदम। मेरे जैसा बोलने वाला, इन लोगों के जैसा सुनने वाला, 4 घंटे से समझाते जा रहे हैं लेकिन मेरे सामने बैठ के मोमोज ठूसने में लगा हुआ है दुष्ट। नहीं तो हम यहाँ सारा दिन बावर्चियों की तरह पकवान बनाते रहते हैं कि मेरा बच्चा खाएगा तो सेहत बनेगी, शरीर सुडौल बनेगा। बच्चा यहाँ चौमिन मोमोज खा खा के जीवन चला रहा है। सबसे बड़े दुश्मन हो गए ये रेस्टोरेंट वाले, चाहे जितनी धूप हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना बारिश हो, तैयार रहते हैं बैग टांग के। बस एक फोन घुमाने भर की देर है, सीधा घर की घंटी आके बजाएंगे कि ये लीजिए पिज्जा, ये लीजिए मोमोज, ये लीजिए चौमिन। दुश्मन नहीं तो पापा को बोल देना कि आटा दाल जो रखा है सब जाके गरीब को दे आए जाके, क्योंकि घर में तो जरूरत है नहीं अब खाना पीना बनाने की। खुद ही इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, माँ की रसोई, माँ की मिठाई, माँ का खाना खाओ जाके भाई। जब इतनी सारी माए हैं तुम लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, तो अब घर के खाने की क्या जरूरत है, ना तो हमारी जरूरत है तुम लोगों को। बोलते नहीं है कि कौवा को चाहे जितना दूध घी खिला दो, मुंह जाके नाली में ही मारेगा। यही हाल है इन कपूतों का। हम चाहे जितना यहाँ गर्मी में मर मर के साफ सुथरा खाना बनाए, लेकिन जब तक 10 हाथ का छुआ हुआ और 75 पसीना का लपटा हुआ खाना नहीं खाएंगे, चैन नहीं मिलेगा इन लोगों को। जब से ये ऑनलाइन सब हो गया, पूरी की पूरी जनरेशन तबाह करके रख दी। एक बटन दबाओ नहीं कि चले आ रहे हैं फूफा इनके फटपटिया से फुर फुर करते हुए, ये लो चौमीन, ये लो पिज्जा, ये लो बर्गर, जहर भी दे दो हमको थोड़ा, क्योंकि हमारी जरूरत तो तुम लोगों ने खत्म कर दी है। अब मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना था, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। इन लोगों का अलग 5 तत्वों से बना है, चौमीन, समोसा, मोमोज, पिज्जा। मम्मी एक तो भूल ही गई। हाँ तो ले आओ, कर दो ऑर्डर, उसको भी शामिल कर लो, बादशाही में कमी थोड़ी ना है तुम लोगों के कोई। लेकिन रेस्टोरेंट वालों को दोष देने से क्या फायदा, जब अपनी ही औलाद बेगैरत निकल जाओ। गाने की लाइन नहीं है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन में बिजलियां, गैरों ने आके हमें फिर भी थाम लिया है। अच्छा ही नहीं लगता होगा घर का खाना इन लोगों को, गले से ही नीचे नहीं उतरता होगा, नीच नहीं तो। रात में हबड़िया के खा लेंगे, फिर सवेरे जिम जाके ये 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 करने से बेटा सेहत नहीं बनती। अच्छा खाओ, हरी सब्जी खाओ, तभी सेहत बन पाएगी। जो सोच रहे हो कि बाहर का खाना खा के ऐसे ऐसे कर लो तो इससे सेहत नहीं बनेगी तुम्हारी। हेलो मेरे यूट्यूब के प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे।